तेरे दिल के अंदर हक छुपा हुआ है इस टाइम पर, तेरे सीने के अंदर अल्लाह था हमेशा से, उसकी याद थी, उसकी तलब थी, उसकी तलाश थी। जिंदगियां गुजर गई, भजन बात समझ नहीं आई लोगों, बात नहीं समझ में आई लोगों, लेकिन बात ये थी कि ये दुनिया तेरे दिल में ना हो, इसकी औकात ही नहीं है अल्लाह के नजदीक। और ये दुनिया से जुड़ा हुआ शख्स जिसके दिल में दुनिया होगी ना, उसकी जुबान में, उसके मिजाज में, उसकी दलेरी, बहादुरी, बुजदली, बखील, कंजूसी झलक रही होगी उसमें से। आपने ये बुजदलों की दुनिया है, दीन बहादुरों का है। ये दुनिया कभी तुझे बहादुर नहीं बना सकती अल्लाह के बंदे। इधर रखा है अल्लाह ने इंकलाब इंसान के जिगर के अंदर, यहां इंकलाब है इंसान के अंदर। युकादु ज़ैतुहा युदियु वलौलम तमसतु नार, अल्लाह कहता है तेरे सीने के पास हिदायत ला के अंदर गुथा के आग लगाने की जरूरत नहीं है, हल्की सी पीछे आगे पीछे घूम रही होगी ना, तेरा दिल मुनव्वर हो जाएगा। तेरे दिल के अंदर हक छुपा हुआ है इस टाइम पर, तेरे सीने के अंदर अल्लाह था हमेशा से, उसकी याद थी, उसकी तलब थी, उसकी तलाश थी। ऐ गल ना कर साडे नाल, तुझे बात ही नहीं समझ में आई, अल्लाह ही नहीं मिला मुझे, उसूल ही नहीं मिले मुझे, आलिम ही नहीं मिला सही, तहरीक ही नहीं मिली जिंदगी में। ये फजूल बातें हैं, ये फजूल बातें हैं। और बड़ा ही बदकिस्मत है जो मांगे जिसे ना मिले। जिंदगियां गुजर गई, भजन बात समझ नहीं आई लोगों, बात नहीं समझ में आई लोगों। क्या क्या प्लानिंग है आज है, क्या प्लानिंग है। मैं ये बड़े बड़े प्लाजे देखता हूं, मैं सोचता हूं यार कितनी ताकत, कुवत, रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स की कुछ नहीं खपाया होगा इसने इसको बनाने के। कहां इसने अपने घिटे नहीं पिसे होंगे, कहां जलील नहीं हुआ होगा, क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता ये सल्तनत खड़ी करने के लिए है? लेकिन बात नहीं समझ, बात समझ इसको ये बात समझ में नहीं आई कि ये सब जायज है करना, आराम थोड़ी है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि दिल एक कश्ती है और दुनिया एक समंदर। पानी कश्ती के बाहर हो तो ठीक है भाई, अंदर नहीं हो सकता। तू दुनिया दिल से बाहर रखता तो ठीक थी, और करता फतह फिर जहां तक जाना था कि मक्के एजाज के बाद गए नहीं, कॉन्स्टेंटिनोपल, इंडोनेशिया, रशियन बॉर्डर कहां तक नहीं गए, कुछ ले गया अल्लाह के सुल्ते के नीचे इस कायनात। लेकिन बात यह थी कि यह दुनिया तेरे दिल में ना घुसती, दुनिया की ताजीम तेरे सीने के अंदर नहीं पनपती हो, जलील, हकीर, गली समझता हो तू इसको। अब फतह कर इसको। यह था फलसफा कि तू भेजा, ये असल नहीं थी, असल अल्लाह ही था, ये मीडियम है। ये दुनिया किसी आयत में असल नहीं है इंसान के लिए। एक आयत दिखा दे, सिर्फ एक आयत है जिसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना है, बाकी पूरा कुरान हदीस भरा पड़ा हुआ है इस दुनिया को दलील करने की। इसकी औकात ही नहीं है अल्लाह के नजदीक, इसको समझता ही कुछ लानत भेजता है अल्लाह इस दुनिया के। दुनिया मलून मलून तो माफी, समझता ही कुछ नहीं है इसको, इसकी औकात ही नहीं है। दीनदारी लहजे से लेके, बहादुरी से लेके, दलेरी से लेके, पूरे कैरेक्टर के अंदर दीनदारी का ज़र्फ, वुसअत, कद सब दिख रहा होगा। दुनियादारी, दुनियादारी इतनी सी होती है, इतनी पिद्दी भी नहीं है ये दुनियादारी। और ये दुनिया से जुड़ा हुआ शख्स जिसके दिल में दुनिया होगी ना, उसकी जुबान में, उसके मिजाज में, उसकी दलेरी, बहादुरी, बुजदली, बखील, कंजूसी झलक रही होगी उसमें से। आप देखिए ये दीन है, ये दुनिया बुजदलों की है, दीन बहादुरों का है, ये बुजदलों की दुनिया है। ये दुनिया कभी तुझे बहादुर नहीं बना सकती अल्लाह के बंदे, ये तुझे बुजदल बनाएगी, जिसकी वजह से तू माशरा, खानदान, बरादरी, फला, चाचा, ताया, मामा इनके पीछे लगा होगा। दीन बाबर बनाता है आदमी को, दीन शेर पैदा करता है इंसान के अंदर, दीन जूते की नोक के ऊपर रखता है दुनिया के उसूलों को, दीन हिजरत करवाता है, दीन जिहाद कराता है इंसान से, दीन दौलतों को लात मरवाता है। यह आवाज पैदा ही नहीं हो सकती किसी की अगर उसके अंदर दुनिया होगी। बोल ही नहीं सकता आदमी उस दम के साथ जो दुनिया का आबिद होगा।
दुनिया का आबिद, दुनिया की तरजीह और दुनिया की ताजीम करने वाले शख्स में दम नहीं हो सकता कभी। क्यों? क्योंकि उसमें डर है। दीन न डर इंसान का, क्योंकि दीन में इंसान के पास सिवाय एक के किसी से डरना नहीं लिखा। ला तक छुआ ना सब छौनी, लोगों से मत डर, मुझसे डर।